बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक, जो कि है ट्रेडिशनल मेकअप लुक, जिसे आप तीज पे एंड अदर फेस्टिवल्स पे आप क्रिएट कर सकते हो, एंड वेडिंग में भी आप इसे आराम से क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है। तो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। मैं अपना फेस ऑलरेडी क्लीन कर चुकी हूँ, एंड देन मैंने मॉइस्चराइज़र भी ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है, तो आप मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद में मैं अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर। ये है NYB का प्राइमर, ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, तो मैं इसे थोड़ा सा टाइनी अमाउंट में अप्लाई कर लूँगी, एंड फिर अपने फिंगर्स की हेल्प से ही इसे अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। आप जो नोज़ के अराउंड हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं, वहाँ पे चिन पे आपको अच्छे से इसे अप्लाई करना है गाइस। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ फेयर एंड लवली BB क्रीम। ये वाली जो क्रीम है गाइस, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ करी है, एंड इसका भी रिव्यू मैं जल्दी आपके साथ में शेयर करूँगी कि मुझे कैसी लगी क्रीम। एंड इसे मैं थोड़ा सा लेके मैं अपने फेस पे डॉट डॉट अप्लाई कर लूँगी, डॉट डॉट करके। फिर इस तरीके का जो वेट ब्यूटी ब्लेंडर होता है, उससे मैं फेयर एंड लवली को मैं ब्लेंड कर लूँगी डैब डैब करके ही। आपको ब्लेंडिंग डैब डैब करके ही करना होता है, ताकि हमारा जो ये बेस है वो अच्छा आए, इस बेस की फिनिशिंग अच्छी आए। तो आपको डैब डैब करके ही इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। तो मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है गाइस। अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ कंसीलर। यह है स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर, जिसे मैं अपनी आईज़ के इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर एंड आईलिड्स पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, एंड मेरे फेस के जो अदर हाइट पॉइंट्स हैं, जैसे फोरहेड हो गया, चिक्स हो गया, चिन हो गया, वहाँ पे मैं अप्लाई कर लूँगी। एंड गाइस, आपको लगता है कि अगर आपके पिंपल मार्क्स है तो आप वहाँ पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं पिंपल मार्क्स को हाइड करने के लिए। एंड इसे मैं अगेन ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्पिंच का BB पाउडर, एंड इससे मैं अपने कंसीलर को एंड जो मैंने BB क्रीम अप्लाई करी है उसे मैं अच्छे से सेट कर लूँगी। ये एक कॉम्पैक्ट पाउडर की तरह वर्क करता है गाइस, ये भी काफ़ी अच्छा है। एंड गाइस, इसमें मैंने जो भी आपको प्रोडक्ट्स दिखाए हैं वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस है, सारे प्रोडक्ट्स ही काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। एंड अब मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं ब्राउन आईब्रो पेंसिल का यूज़ करूँगी, एंड अपनी आईब्रोज़ को फिल करना स्टार्ट करूँगी। आपको भी अपनी आईब्रोज़ को कुछ इस तरीके से ही फिल करना है गाइस। आईब्रो को फिल करने के लिए आपको थोड़ा ध्यान से ही फिल करना होता है, एंड छोटे छोटे स्ट्रोक्स में आपको फिल करना होता है। पहले अपने आईब्रोज़ की जो शेप है उसे अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, फिर उसके बाद में ही आपको आईब्रोज़ को फिल करना होता है, जैसा कि मैं कर रही हूँ गाइस। इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद में मैं अब छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेके अपने आईब्रो को फिल करना स्टार्ट करूँगी, कुछ इस तरीके से। एंड मैंने दूसरे आईब्रो को भी फिल कर लिया है, एंड इसी आईब्रो पेंसिल के साथ में इस तरीका का ब्रश आता है गाइस, तो इससे मैं अपनी आईब्रोज़ को इस तरीके से ब्रश कर लूँगी, ताकि जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए पूरे आईब्रोज़ के अंदर, एंड हमारी आईब्रोज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखाई दे। सो ये वाला स्टेप कंप्लीट करने के बाद में अब मैं कंसीलर को आईब्रोज़ के नीचे एंड ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से अप्लाई करूँगी, ताकि हमारी जो आईब्रोज़ है वो शार्प दिखे एंड इसमें फिनिशिंग अच्छी आए। तो आपको भी केयरफुली इस तरीके से कंसीलर को अप्लाई करना है, इससे हमारी आईब्रोज़ का लुक और भी ज़्यादा अच्छा आता है। इसी तरीके से मैं दूसरे आईब्रो को कर लूँगी, एंड इस ब्रश से मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। जैसा कि आप देख सकते हो गाइस, हमारी आईब्रो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, एंड इसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है। अब मैं आई शेडो अप्लाई करने वाली हूँ, जिसके लिए मैं ये वाला शेड यूज़ करूँगी। तो इससे इसको मैं फ्लफी ब्रश पे लेके अपनी आईज़ के ऊपर इस तरीके से पुट करूँगी, एंड उसके बाद में मैं इसे ब्लेंड करूँगी। पहले आपको प्रोडक्ट इस तरीके से पुट करना होता है, एंड फिर इसे ब्लेंड करना होता है।
फिर अब मैं ये वाला कलर चूज़ कर रही हूँ एंड इसे भी मैं अपनी क्रीज के यहाँ पे इस तरीके से पुट करूँगी एंड हल्के हाथों से मैं इसे ब्लेंड करूँगी फ्लफी ब्रश की हेल्प से। एंड गाइज, अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे येलो कलर, थोड़ा सा मेरी आईज़ के ऊपर मैं येलो सा टिंट देना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा येलो कलर चूज़ करूँगी अपने आई शेडो के लिए एंड इसे मैं अपने फिंगर की हेल्प से ही इसे पुट करूँगी एंड इसे मैं अगेन ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे पॉइंटेड ब्रश की हेल्प से शिमरी शेड अप्लाई कर रही हूँ अपनी क्रीज पे, जैसा कि आप देख सकते हो एंड इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एंड मैं आँखों के नीचे भी थोड़ा सा शिमरी सा टिंट दे दूँगी। एंड गाइज, मैं अगेन जो ये फ्लफी ब्रश होता है उसको मैं ऐसे फिंगर्स के ऐसे दबा के थोड़ा सा आँखों के नीचे भी हल्का सा सेम ही शेड में अप्लाई कर रही हूँ जैसा मैंने फर्स्ट बार में किया था। एंड अब बारी आईलाइनर की, मैं यहाँ पे इनसाइड का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ एंड अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ ब्लश। मैं अपने फेस को थोड़ा डिफाइन करने के लिए यहाँ पे ब्लश का एंड थोड़ा सा कॉन्टोरिंग करने वाली हूँ ताकि मेरा फेस अच्छे से डिफाइन हो जाए एंड फेस का स्ट्रक्चर अच्छा आए। एंड अब मैं यहाँ पे लिप लाइनर की हेल्प से जो लिप की जो आउटर लाइंस होती है उसको मैं फिल करने वाली हूँ। एंड अब मैं अप्लाई कर ली हूँ सेम शेड की लिपस्टिक एंड यहाँ पे कंप्लीट होता है मेरा मेकअप एंड ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा ही पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइज एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये लुक कैसा लगा। एंड गाइज, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके एंड आपसे मेरे कोई से वीडियो मिस नहीं हो।